बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण शहर की, जहां के मशहूर बिल्डर और मंगेश ग्रुप के मालिक मंगेश गायकर को गोली मारने की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक मंगेश गायकर को उनके ऑफिस में ही गोली मारी गई, वहीं इस गोलीबारी में उनका बेटा भी घायल हो गया है। फिलहाल पिता और बेटे दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि गोली मंगेश गायकर की लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली, अब किसी ने उनकी ही रिवॉल्वर से उन पर फायरिंग की या खुद उनके हाथ से ही गोली चल गई, पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मंगेश गायकर ने अपने नाम पर एक लाइसेंसी रिवॉल्वर ली थी, इसी रिवॉल्वर से गोली चली। पहले गोली मंगेश को लगी, फिर उनके बेटे को लगी। पुलिस को मंगेश गायकर के स्टाफ के लोगों ने बताया कि गुरुवार को मंगेश अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ऑफिस में बैठे हुए थे, साथ में मंगेश का बेटा भी था। वह अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे, तभी अचानक गोली चल गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक गोली उनके हाथ से होते हुए निकल गई और बाद में उनके बेटे को जा लगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मंगेश गायकर म्हणून जे व्यावसायिक आहेत त्यांच्या दुपारी 3:30 घटना आहे। त्यांच्या ऑफिसमध्ये त्यांचे स्वतःचं लायसन वेपन ते साफ करत असताना सदरची गोळी लागल्याची सध्या घटना घडलेली आहे। सध्या त्यांना मीरा हॉस्पिटल या ठिकाणी ॲडमिट केलेलं आहे। आम्ही स्पॉटवर जाऊन आणि बाकी सर्व गोष्टी CCTV फुटेज सगळे व्हेरीफाय करत आहोत। फायरिंग आहे की काय त्याबाबतची आम्ही सर्व चौकशी करत आहोत। त्या ठिकाणचं ऑफिसला असणार CCTV फुटेज असेल की इतर सगळ्या गोष्टी असतील त्या सर्व बाबीचा पुढून तपास सुरू आहे। दोघांना कुठे गोळी लागली? आता प्राथमिक माहितीनुसार त्यांच्या हाताला लेफ्ट हँडला गोळी लागलेली आहे आणि त्यांच्या मुलाला सुद्धा काचेचा काही तुकडा किंवा काही पायाला इंजुरी झाल्याबाबतचं हे आहे। या गोष्टी आम्ही डॉक्टर मेडिकल हॉस्पिटल आणि त्याचबरोबर घटनास्थळ या गोष्टीची चौकशी करून व्हेरिफिकेशन करून आम्ही पुढील कारवाई करत आहोत।